नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। निर्मला देवी पत्नी सुरेश चंद मोहल्ला भ्रमदान थाना बेवर जनपद मैनपुरी के मूल निवासी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मेरे पुत्र महेंद्र कुमार पुत्र सुरेश चंद्र की शादी दिनांक 19/11/2019 को ग्राम परोल थाना सौरिख जनपद कन्नौज निवासी अंशु पुत्री रूपलाल के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई हुई। उसके बाद मेरी पुत्र वधु अंशु देवी पुत्री रूपलाल का आए दिन ड्रामा चलने लगा। कहती है कि मेरे पिता ने तेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी करा दी है, मैं तो अपने जीजा के साथ ही रहूंगी। श्रीमान जी, इसका एक जीजा राजीव कुमार ग्राम हसनपुर कोतवाली भोगांव में है, दूसरे जीजा ग्राम मद्दापुर खास थाना बेवर जनपद मैनपुरी निवासी है। श्रीमान जी, मेरी पुत्र वधु के अपने जीजा राजीव कुमार से नाजायज संबंध है, इसलिए इनके जीजा राजीव कुमार तथा सुखबीर दोनों ही मिलकर हमारे घर में षड्यंत्र रचते रहते हैं। मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा बेटा ठेली लगाकर अपना भरण पोषण करता है। जब मेरा बेटा बाजार में होता है तब मेरी पत्नी नाजायज संबंध बनाने के वास्ते घर से चली जाती है। उसके बाद मुझे काफी देर ढूंढने में लगता है, कई घंटे की मशक्कत के बाद ढूंढने पर मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। श्रीमान जी, शादी के 2 महीने बाद ही बालों में लगाने वाली डाई पी ली थी, उसके बाद कुछ महीने बाद दवाई खा ली थी, तब भी मैं बामुश्किल बच पाई। कई बार जान से मरने का प्रयास कर चुकी है और कहती है कि हम तुम्हें झूठा मुकदमा लगवाकर जेल भिजवा दूंगी। इसके अलावा इसके पिता रूपलाल लड़कियों का देह व्यापार करते हैं, इनके ऊपर पहले से ही कई मुकदमों में वांछित है। इसका एक भाई संजू पुत्र रूपलाल है जो कि अवैध धंधे करता है, चोरी डकैती के मुकदमे इस पर लगे हुए हैं। कई बार अवैध असलहे के साथ नाजायज गुंडों को लेकर मेरे बेटे को जान से मारने की नीयत से कोशिश भी कर चुका है। श्रीमान जी, मेरे बेटे के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको कई बार मेरी पुत्र वधु ने जान से मारने का प्रयास कर चुकी है। अतः जिसका जीता जागता सबूत दिनांक 16/7/2023 को पुत्र वधु के पेट में 7 माह का बच्चा था और इसके जीजा और उसकी बहन हेमू देवी, पिता रूपलाल, माता शशि कला, भाई संजू ने मिलकर दवाई खिला दी और फर्रुखाबाद रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताया और 7 माह के पुत्र की हत्या कर दी, जिसकी आप गंभीरता से विधिवत जांच करा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से जांच करके उपरोक्त सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। निर्मला देवी ने यह भी कहा कि झूठे मुकदमे का षड्यंत्र रच कर मुझ प्रार्थी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी प्रकार की मेरे साथ अप्रिय घटना या मेरे परिवार पर कोई घटना होती है तो उपरोक्त लोगों को ही जिम्मेदार माना जाएगा। वो आए दिन कलेश करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। हाँ, लड़का सुबह चले जाता है, सवेरे ठेली लगाता है, सब्जी कभी कभी फल लगाता है, और ये बहुआ सुबह निकल जाती है और जब लड़का घर पे आता तब ताला लगा मिलता है। इधर उधर ढूंढता है तब जी ये वहाँ मिलती है अपनी कान अपने बहन बहनों ही घर पे हसनपुर, वहाँ से इसे लेने जाता तब ये कहती हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। बच्चे का क्या मामला? हाँ, बच्चे का मामला कि इसके माँ बाप या इसके बहन बहनों ही सब आए, इसे लेके गए, इसे दवाई दिलवाई, इसे दवाई खिलवाए, बच्चा तो पेट में खत्म हो गया। हमें तो कोई सूचना भी नहीं थी, हम लोग कोई जानते भी नहीं थे। उसके बाद ऐसे हमें जब सूचना मिली, जब हम गए तब वो तो सारे सब भाग गए, फिर हमने उसको इलाज करवाओ, उसको दवाई इलाज करवाए, उसे घर पे लाए। इससे पहले कभी कोई कुछ किया गया? उसके पहले उसने शादी के 2 महीने बाद इसने खाना देखो डाई पी, एक बार दवाई खाई और आज झूठे आरोप में हमें फंसाना चाहती है। जो कहती है कि आए दिन जो हमारे ऊपर मिट्टी तेल डालती हैं, कहीं आग लगाती हैं, कहीं हमारे फांसी लगा करंट लगाती हैं और हमें उसका ना इल्जाम उल्टे इल्जाम फंसाना चाहती है। जे यहाँ आप किस लिए आए? यहाँ हम इसीलिए आए, हम तो साहब इसीलिए आए भैया, हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। कौन कौन लोग आपको फंसाना चाहते हैं? उसकी माँ, उसका भाई। क्या नाम है उनका? नाम क्या मामला है यहाँ पे? आप एसपी साहब के आप पास आए हैं? एसपी साहब के यहाँ हमें गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमारी जो घरवाली है आए दिन हमें परेशान करती है। क्या नाम है घरवाली? घरवाली का अंशु नाम है। कहाँ के निवासी है? ये है परोल सॉरी। क्या बात हो गई? हमें आए दिन परेशान करती है, हम तो काम पे निकल जाते हैं, ये घर पे अकेली रहती है और जब मैं लौट के आते हैं तो ये हमें घर पे नहीं मिलती है और ये आज का नाम चली जाती है अपने जीजा के यहाँ और मैं ढूंढते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी जीजा को फ़ोन करके यहाँ बुला लेती है, उससे चली जाती है और हमें नहीं मिलती घर पे।
क्या बच्चे का क्या मैटर हो गया? और साहब इसने बच्चे मेरा बच्चा मार दिया 6-7 महीने का, और इसके बहनोई सुखबीर और इसकी बहन बबली और इसका दूसरा बहनोई राजीव जिसके इसके संबंध हैं जिसके साथ, और तीसरा बहन रवि और इसका बाप रूपलाल और इसका भाई संजू, इसकी माँ शशिकला, इन सब लोगों ने मिलके हमें फंसवाने की साजिश की है। हम तो इसको बचा के लाए हैं, फिर भी इसने इन लोगों ने हमें फंसाने की साजिश की है, हमारे ऊपर मुकदमा लगवा दिया, हमें जेल भेज दिया, ये साहब अपनी जीजा की भाग गई। क्या चाहते हो आप? हम तो साहब न्याय चाहते हैं, हमने कभी इसको दुखी नहीं रखा, अच्छे से रखा है, कभी परेशान नहीं किया इसको। तो क्या डर है क्या आपको कोई? हमें डर है, हमारे दो बच्चे हैं उनको उनका भी डर है, पता नहीं उनके साथ भी है कुछ भी कर सकते हैं, और हमें भी डर है, हमारे मेरे पूरे घर वालों के लिए डर है कि कोई अनहोनी ना कर दें हमारे घर वालों के लिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ के निवासी हो? हमें धमकी देता है। कहाँ के निवासी हो आप? देवर। देवर, कौन धमकी देता है? इसके घर वाले, इसका बाप भाई बहनोई हमें मारने की धमकी, कई बार घर पे भी आई मारने के लिए, धमकाया, पैसे की डिमांड भी करते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए ASB News।